हाल ही में ब्राजील में एक ऐसी रहस्यमी गुफा मिली है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया है। जी हाँ, ये गुफा इतनी विशालकाय है कि इसके अंदर हाथी जैसा विशालकाय जानवर तक समा सकता है। मीन के नीचे मिली यह गुफा लगभग 2000 फीट लंबी और 6 फीट ऊंची है। हालांकि इस गुफा के आकार से ज्यादा हैरान करने वाली बात इसकी बनावट है। यह इतनी सटीक और गोलाकार है जिसे देखकर साइंटिस्ट हैरत में पड़ गए। अब उन्हें यह साफ हो गया है कि यह पानी या धरती की हलचल से नहीं बनी है, किसी दैत्याकार जीव के होने की पुष्टि। साइंटिस्ट ने दावा किया है कि यह गुफा न तो भौगोलिक गतिविधि से बनी है और न ही इंसान के हाथों, बल्कि किसी दैत्याकार जीव ने इसे अंजाम दिया है। आखिर कौन सा था यह जीव? गुफा की दीवारों पर ऐसे निशान मिले हैं जो सिद्ध करते हैं कि ये किसी विलुप्त हो चुके किसी दैत्याकार जीव के पंजों से बनी है। साइंटिस्ट के मुताबिक इतने विशाल जीव को दानव कहना भी गलत नहीं होगा, जो करीब 9000 साल पहले रहे होंगे। हालांकि साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा सवाल इस जानवर की पहचान को लेकर बन गया है। इस रहस्यमय गुफा के फोटोज और साथ ही देखें कौन सा जीव हो सकता है इसका कारण। जमीन के नीचे मिली यह गुफा आज इंसानों द्वारा बनाई गई सुरंग की तरह दिखती है। इंसान ने नहीं, दानव ने बनाई ये गुफा। देख साइंटिस्ट को भी नहीं हुआ यकीन। इस जगह के करीब साइंटिस्ट को बड़े पंजों वाले दैत्याकार जीवों के कुछ निशान भी मिले हैं। इन निशानों को देखकर ही साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि ये कितने विशालकाय होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो का शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।